करीब 3 वर्षों से लटकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भर्ती में अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों ने उन्हें राहत देने की मांग उठाई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने डीसी ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि बचे हुए 50% पदों के लिए उन्हें भी योग्य घोषित किया जाए। अभ्यर्थी राकेश कुमार ने बताया कि 2016 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित JOAIT पोस्ट कोड 556 की लिखित व टाइपिंग परीक्षा पास की गई है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के कारण 2400 युवा इस भर्ती में अयोग्य घोषित हो गए। पोस्ट कोड 556 के 50% पदों पर ही अभी भर्ती हुई और 50% पदों पर भर्ती होना बाकी है। उन्होंने बताया कि इन 50% पदों पर सरकार अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भर्ती कर सकती है। ऐसा हाईकोर्ट ने भी 28 अगस्त 2019 को जारी आदेशों में स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई JOAIT भर्ती पोस्ट कोड 447 में हर तरह का डिप्लोमा को मान्य किया गया था। अब सरकार ने RNP नियमों में संशोधन करते हुए राहत दे दी है। उन्होंने मांग की है कि अयोग्य घोषित युवाओं को सरकार JOAIT पोस्ट कोड 556 भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर राहत प्रदान करे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आज हम डीसी मंडी आए हैं जो कि JOAIT 556 के कैंडिडेट है, तो गवर्नमेंट ने पहले कुछ आईएनपी रूल में क्लियर न होने के कारण हमें बाहर कर दिया था, लेकिन आज और इससे पहले जो हमारे से पहले की जो पोस्ट थी 447 उसी में सभी को कंसीडर किया गया और इसके बाद जो नए नियम आए उसमें सभी को भी इन्होंने कंसीडर कर दिया और गवर्नमेंट को 556 जो कैंडिडेट है उन्हीं के साथ कुछ इस तरह की दुश्मनी है ताकि हमारे को इस 556 में जो हमारे नौकरी से नहीं लिए जा रहे और हमारे को बाहर का रास्ता दिखाया है, इसलिए हम मंडी डीसी ऑफिस आए हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सीएम साहब को डीसी के द्वारा हमने ज्ञापन भेजा है ताकि इस हमारी समस्या का जल्द से जल्द, हम गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि हम सब कुछ क्लियर करने, हमने टाइपिंग टेस्ट भी निकाला, रिटन टेस्ट भी निकाला और सब कुछ फाइनल सब कुछ करने के बाद आज हमारे को बोल रहे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि जो नए RNP रूल निकाले उसमें सभी बच्चों को कंसिडर किया गया है। तो हम गवर्नमेंट से ही दरखास्त करते हैं कि हमारे को भी इसी RNP रूल के तहत तो जो हमारी 556 के जो बच्ची पोस्ट है उस पर राहत दी जाए ताकि बच्चों अपना भविष्य उज्जवल कर सकें।